नमस्कार दोस्तों, आपका आपके फूडी किचन में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं नवरात्रि स्पेशल आलू टिक्की और दही बड़ी की रेसिपी, जो खाने में काफ़ी टेस्टी होती है और हेल्थी भी होती है। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं आलू टिक्की और दही बड़ी की रेसिपी। टिक्की बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 बॉयल आलू लिए हैं, जिनका मैंने छिलका उतार लिया है। अब हम इन्हें मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। आप चाहते हो कद्दूकस भी कर सकते हैं। जब ये अच्छे से मैश हो जाएंगे तो हम इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और आधी कटी हुई बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। हम व्रत का खाना बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें सेंधा नमक प्रयोग कर रहे हैं। आप नमक को अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें मूंगफलियां डालेंगे। यहाँ मैंने मूंगफलियों को भून लिया है और उनका छिलका उतार लिया है। और हम इसका दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम मिक्सर में 4 चम्मच मूँगफली का पेस्ट डालेंगे। इसके बाद हम 4 से 5 चम्मच सिंगाड़े का आटा डालेंगे। अगर आपके पास सिंगाड़े का आटा नहीं हो तो आप कूटू का आटा भी डाल सकती हैं। यह हम आटा इसलिए डालते हैं जिससे कि हमारी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। अब हम सबको अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको आटा कम लगता है तो और भी डाल सकते हैं। जब ये अच्छे से मिल जाएगा तो हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। यहाँ मैंने साइकिल शेप की टिक्कियाँ बनाई हैं, आप चाहें तो अपनी पसंद की शेप दे सकते हैं। मेरे इस सारे मिक्सचर से 6 टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। अब हम एक पैन लेंगे जिसमें हम 2 से 3 चम्मच देसी घी डालेंगे। आप व्रत में जो भी ऑयल पसंद करते हो वह यूज कर सकते हैं। हम यहाँ टिक्कियों को शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि व्रत में कम से कम डीप फ्राई चीज़ें खाएं। जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें एक एक करके सारी टिक्कियाँ रख देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। जब हमारी टिक्कियाँ एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो हम उन्हें पलट देंगे और दूसरी तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी बनी है। आप चाहें तो इन्हें चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इन्हें बड़ों के रूप में खाना पसंद करते हैं तो एक कटोरी दही ले लें और उसे अच्छे से फेंट लें। जब वह अच्छे से फेंट जाएगा तो उसमें 1/4 चम्मच हम चीनी डालेंगे और 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। हम नमक को अपने स्वाद के अनुसार कम और ज़्यादा कर लेंगे। जब हमारा अच्छे से मिल जाएगा तो हम एक प्लेट में टिक्की रख देंगे और हम टिक्की के ऊपर फेंटा हुआ 2 से 3 चम्मच दही डालेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर व्रत में खाई जाने वाली चटनी डालेंगे। अब हम इसके ऊपर फिर से 2 से 3 चम्मच दही और डाल देंगे। फिर हम इसके ऊपर भुना हुआ जीरा डालेंगे। अगर आप जीरा नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और हम इसे अनार के दानों के साथ गार्निश करेंगे और इस तरह से हमारा दही बड़ा बनकर तैयार है। खाने में काफ़ी टेस्टी और हेल्थी होता है। आप इस रेसिपी को अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल आपकी फूडी किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।